जनपद बरेली की नगर पंचायत रिथौरा से चेयरमैन पद की प्रत्याशी ओमवती के पुत्र अनिल कुमार एडवोकेट से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद की प्रत्याशी श्रीमती ओमवती के पुत्र अनिल कुमार एडवोकेट ने नगर पंचायत रिथौरा के चौमुखी विकास, सरकारी योजनाओं के लाभ और नगर पंचायत से रिथौरा के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित अपनी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। मैं अनिल कुमार एडवोकेट कैंट विधानसभा से मैं 2022 में प्रत्याशी रहा एमएलए का। अब मैं नगर पंचायत रिठौरा से मेरी माता जी श्रीमती ओमवती यहाँ की चेयरमैन प्रत्याशी हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वकील साहब, आपकी मम्मी नगर पंचायत रिठौरा से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। जी जी जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस रिठौरा नगर पंचायत के लिए किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? दो मुद्दे प्रमुखता से हैं, एक नगर पंचायत रिठौरा का चौमुखी विकास और दूसरा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना हमको। कि नगर पंचायत रिठौरा में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, सभी लोग बैठ कर के कौन किस तरह से रिठौरा नगर पंचायत का विकास करने की क्या उसके पास योजना है, और मैं ये चाहता हूं इसमें एक डिबेट भी कर ली जाए और डिबेट में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस किस के पास नगर पंचायत रिठौरा के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। वकील साहब, दो महत्वपूर्ण मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और आपने तमाम प्रत्याशियों को यहाँ पर इस चीज के लिए आमंत्रित किया है कि जिस तरह आप अपनी योजनाएं जनता के सामने लेकर आए हैं जी, वो भी जनता के बीच अपनी योजनाओं का खुलासा करें जी, तभी पता चलेगा कि रिठौरा का असल विकास कौन कराएगा। जी जी जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा। देखिए, यहाँ के विकास का मॉडल सड़कें हैं, रोड है, खरंजा है और इनका शुद्धिकरण कराना। दूसरा, जो यहाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, कई जगह पे पानी भर जाता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो मेरा यहाँ पर भी प्रमुख रूप से ध्यान रहेगा कि जल भराव की जो समस्या है नाली या नालों की, उसका भी बहुत तेजी से काम कराया जाए जिससे कि आगे के लिए समस्या ना हो। वकील साहब, जैसे कि आपने कहा विकास के मॉडल में नाली, सड़क, खरंजे, बिजली, पानी, तमाम व्यवस्थाएं जी, लेकिन इसके बाद जिसे आपने बड़ी गंभीरता से लिया है वह है जल भराव की समस्या जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जल भराव की समस्या जो रिठौरा के लिए एक बड़ी समस्या है जी, और अक्सर यहाँ के लोगों से भी जानकारी मिली है कि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर विकराल रूप से पानी का भराव हो जाता है जी जी जी, तो इस समस्या के समाधान की योजना क्या है? देखिए, वार्ड नंबर हमारे यहाँ 6, वार्ड नंबर 3 और होली चौराहा और आसरा आवास कॉलोनी है जहाँ पर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त लोग अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, जहाँ खासतौर से होली चौराहा रिठौरा का एक मुख्य चौराहा है जहाँ पर इतना पानी भर जाता है जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और भी ऐसी कई एक जगह हैं, जैसे आसरा आवास है, वहाँ कोई रास्ता जाने का नहीं है, वहाँ कोई सड़क नहीं है, वहाँ कोई नाली, कोई नाला नहीं है। इस पर मैंने, मेरे कई एक मित्र हैं जो इंजीनियर हैं PWD में, और कई एक ऐसे साथी हैं जिनसे मैंने बैठ करके उनसे इस विषय पर बात की है, तो उन्होंने कहा ये कि बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसका हल है हमारे पास। तो ये जल भराव की जो समस्या है, जो कई एक इंजीनियर हैं हमारे साथी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने इस बात का हल हमको बताया है कि नगर पंचायत रिठौरा का चेयरमैन बनने के बाद इसकी समस्याएं जो है हो जाएगी। वकील साहब, दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह है सरकारी योजनाओं का लाभ। तो हम ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन सी ऐसी योजना है जिससे यहाँ के पात्र व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड योजना और कन्या विवाह अनुदान योजना, इन योजनाओं का लाभ जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पाया है। और ऐसे 80% रिठौरा की जनता है जिन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पाया, या ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, पात्र लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ बिचौलियों ने ऐसा खेल खेला कि जो पात्र हैं
उनको इसका लाभ नहीं मिला जो अपात्र हैं, उनसे जो भी अपनी साठ काट करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। और कन्या विवाह अनुदान योजना जो है उसका भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाया। ऐसे में मेरी योजना ये है, अगर मैं रिठौरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनता हूँ, उस वक्त बिचौलियों का काम मैं खत्म कर दूंगा। ऐसी स्थिति में रिठौरा नगर पंचायत का मैं एक सर्वे कराऊंगा और सर्वे में जो पात्र लोग हैं उनको ही लाभ मिलेगा, बगैर किसी दलाली के, बगैर किसी साठ गांठ के उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। आयुष्मान कार्ड योजना में मैं सर्वे करा करके निश्चित रूप से लिस्ट देख करके जो पात्र लोग हैं उनके लिए इस योजना का पूरी तरह से लाभ दिलाऊंगा। जो गरीब जनता है हमारे यहाँ की, 80% से अधिक जिनकी बेटियाँ शादी के लिए हैं, जिन्हें अनुदान नहीं मिल पाता है, मैं अपने माध्यम से चेयरमैन बनने पर उन्हें 100% लाभ पहुँचाने का काम करूँगा। जैसे कि मैं एक पेशे से वकील हूँ और मैं नेट पर अखबारों में ये देखता रहता हूँ कि सरकार की ओर से तमाम योजनाएं हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है, या जो यहाँ के लोगों को जानकारी है, जो यहाँ के मुखिया हैं उनको जानकारी, वह उसका लाभ उनको देना नहीं चाहते हैं। उनकी योजना यही है कि जो ये गरीब बने रहेंगे तो हमसे जुड़े रहेंगे, अगर इन्हें तमाम योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला तो ये हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरी कोशिश यही रहेगी कि उन सभी योजनाओं का जो पात्र व्यक्ति हैं उनको सीधा सीधा लाभ मिले। नगर पंचायत रिठौरा के लिए और रिठौरा वासियों के लिए कोई आपकी विशेष योजना है? जी हाँ, विशेष योजना यह है कि रिठौरा नगर पंचायत की जनता अगर मुझे चेयरमैन बनाने का काम करती है, ऐसी स्थिति में रोजगार की जो एक बड़ी समस्या है मेरे क्षेत्र में, नगर पंचायत रिठौरा के द्वारा जो भी ठेके किए जाएंगे, मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि ठेकेदार हमारी नगर पंचायत रिठौरा के ही हों। एक बात, जो भी मटेरियल, नाली, सड़क और बिजली का पोल और तमाम जो भी कार्य होते हैं रिठौरा में, वहाँ का जो मटेरियल है, जो मेरे रिठौरा नगर पंचायत के लोग हैं, इस मटेरियल जो इनके पास है, वो मटेरियल मेरे रिठौरा नगर पंचायत के सरिया सीमेंट का जो भी है वो सब यहीं से खरीदा जाए, किसी बाहरी व्यक्ति से ना खरीदा जाए। तीसरी बात, बिल्कुल लिखित ये एग्रीमेंट उस ठेकेदार के साथ होगा। हमारे रिठौरा नगर पंचायत की जो गरीब जनता है सीधा सीधा उसको लाभ पहुंचे, लेबर जो है उस एग्रीमेंट में ये शर्त होगी जो लेबर लगेगी वो हमारे यहाँ नगर पंचायत रिठौरा की ही लगेगी, रिठौरा नगर पंचायत के जो गरीब लोग हमारे वो यहाँ कार्य करेंगे, कोई बाहरी व्यक्ति काम यहाँ नहीं करेगा। तो ये मेरी योजना है जिससे कि सीधा सीधा लाभ मेरे यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनको पहुँचे, जिनके पास सरिया सीमेंट का जो भंडार है, जिनके पास ईंट भट्टे का काम कारोबार होता है, उनको सीधा सीधा लाभ पहुँचे, किसी बाहरी व्यक्ति को ना पहुँचे। जो यहाँ के हमारी गरीब जनता है, जो हमारे यहाँ के गरीब लोग बाहर जा कर के काम करते हैं, बाहर जा कर के ना मेरी यही नगर पंचायत रिठौरा में ही काम करें और ठेकेदार भी हमारे रिठौरा नगर पंचायत के ही हों, ऐसी मेरी योजना है। नगर पंचायत रिठौरा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रिठौरा नगर पंचायत के निवासियों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा कि इस चुनाव में मुझे सेवा का मौका दें। मैं सेवक बनकर के आप सबकी सेवा करूँगा और जितनी भी अभी मैंने जो योजनाओं के बारे में बताया है उन योजनाओं पर मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। और ख़ास तौर से जो रोजगार के संबंध में जो मैंने एक बात कही है उसके लिए मैं यही फिर पुनः कहूँगा कि जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं उनका व्यापार बढ़े, जो यहाँ के मेरे मजदूर और गरीब लोग हैं उनका काम बढ़े, उनको यहाँ रोज़गार मिले, जो यहाँ ठेकेदारी के रूप में जो भी कार्य कराया जाता है, तो मैं यही चाहूँगा प्रथम प्राथमिकता में कि वो ठेकेदार भी मेरे यहाँ नगर पंचायत रिठौरा के ही हों। और बस मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि मुझे जानने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और मैं हमेशा आप सबके बीच रह करके आप सबकी सेवा करने का काम करूँगा।